अच्छा जी, जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें देखें, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इसको सॉल्व करें। बल्कि आपने सॉल्व किया होगा कल। यस सर, ओड फंक्शन। ऑड फंक्शन है। अब ये देखें, ये हमारे पास ऑड फंक्शन कैसे है। माइनस एक्स रखा है इसमें, जब प्लस माइनस एक्स, इसका भी माइनस बाहर आ गया, क्योंकि क्यूब है पावर, माइनस बाहर आ जाएगा, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे माइनस, तो दोबारा क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो इसका मतलब जब माइनस बाहर आ जाता है तब वो होता है ऑड फंक्शन। तो ये हो गया पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू क्या था, अ फंक्शन ए फ्रॉम एक्स टू वाई, डेफिनेशन बाय ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ए के बराबर आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स और ए बिलोंग्स टू वाई, एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड, क्या होती, किसकी डेफिनेशन है, लीनियर फंक्शन, उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टेंट किसकी, इसकी तो नहीं है। कॉन्स्टेंट आइडेंटिटी की तब होती है जब हमारे पास वो अपनी फेस में यही आ जाए, तो आइडेंटिटी भी नहीं है, नॉन लीनियर तो हो नहीं कॉन्स्टेंट होता सकती। है तो कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास होता है कांस्टेंट फंक्शन, उसकी डेफिनेशन थी हमारे पास। ये आ गया जी आपकी 1.3 एक्सरसाइज में से। 1.3 एक्सरसाइज में से आपको पता है एक्स जो डिग्री है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, खत्म करनी है डिग्री। आपको पता है 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, तो उधर से हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई ओवर, इधर 1 डिग्री की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे पाई ओवर 180, तो ये बन गया पाई ओवर 180। तो इसका मतलब ऊपर पाई ओवर 180 या नीचे भी पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की जगह हमने ये पुट करना है, तो पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी ऊपर बनाने के लिए, ये वाला पोर्शन जब बनाएंगे इसमें, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, पाई फाइव ओवर बाई 180 पाई बाय 180। ऊपर नीचे सेम नहीं, वन नहीं आएगा इसका आंसर। सर वन ये रूल है सर, ये एक ओहो नीचे अगर अकेला एक्स होता तो फिर ये उसका आना था। आंसर 1 बन गया, ठीक है आपका। ये देखो भाई, ये देखो, आपने गौर से नहीं देखा इधर से, ये इसका एंगल था ना, उसके एंगल में हमने पुट की वैल्यू, इसकी जगह हमने इसको एंगल को कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में था इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया साइन पाई बाय 180 एक्स। ये इसको कन्वर्ट कर लिया, जब नीचे तो हमारे नीचे पास वाला वही भी है, वही बन गया, वो नीचे भी तो एक्स वही है, डिग्री है। नीचे तो वही है हमारे पास एक्स। ये भी एक्स डिग्री है, इसको भी उसमें कर सकते हैं रेडियन। ओ हो सॉरी, इधर बल्कि ये नहीं था पेपर उसमें सो ना, होता तो फिर होता बस, एक्सरसाइज में ये नहीं है, एक्सरसाइज में एक्स है। एक्सरसाइज में एक्स है, तो जब इसमें आएगा तो इसका भी ये सेम बन जाएगा, सेम लिमिट हमारे इसका पास एक्स वन की होती आंसर है, आना, कर ही इसका आंसर आ जाएगा 1। लगाया ये वन मैंने ही था गलत लेकिन किया गलत हुआ है हमारे। कर दिया था उन्होंने। हाँ, वो फिर वही ना, वो नीचे इधर मैंने नहीं देखा, ये इधर डिग्री लगा हुआ है, वो बेसिकली जो क्वेश्चन में बुक में है ना उसमें डिग्री नहीं है। उसके बाद आ गया द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2 फॉर ऑल एक्स, कौन सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 ही हो गया इसका भी आंसर, 2 ही आंसर आएगा, टू है सर। क्योंकि कांस्टेंट ही है ना हमारे पास, तो कांस्टेंट में 2 ही आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर क्या आएगा, 2A 2A, 2A। इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं, एक तो हमारे पास वो फॉर्मूला है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, और इधर से बन जाता है हमारे पास एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ये वाला फार्मूला है, अगर ये वाला फार्मूला नहीं आता आपको तो ये फार्मूला ना लगाएं, आप डायरेक्ट इसको कर लें, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए
एक्स माइनस ए ऊपर, नीचे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए रह गया, उसमें लिमिट जब पुट करेंगे ए प्लस ए वो बन जाएगा हमारे पास टू ए, अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, इसको हमने रैशनलाइज करना था, क्यों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस कोस से, वन प्लस कोस ऊपर है और वन माइनस कोस भी ऊपर है, तो बन जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे बन जाएगा साइन एक्स और वन प्लस कोस एक्स। अब इसका आंसर हमारे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया साइन एक्स और साथ बन गया वन प्लस कोज एक्स, तो साइन एक साइन से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर रह गया हमारे पास ओनली साइन, साइन एक्स ओवर वन प्लस कोज एक्स, ऊपर जब लिमिट पुट करेंगे जीरो, साइन जीरो जीरो ओवर कोज जीरो वन होता है, वन प्लस वन टू हो गया, जीरो ओवर टू इक्वल टू जीरो, इसका आंसर आ जाएगा जीरो। अब ये जरूरत हमें पेश क्यों आई ये सारा काम करने की, क्योंकि ऊपर भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही थी, ये वाली फॉर्म बन रही थी, जीरो पुट कर रहे थे वन माइनस वन जीरो ओवर जीरो, तो ये वाली फॉर्म हमें पता है हमने नहीं बनानी इसमें लिमिट में, तो हमने ये सारा सिंप्लीफिकेशन की तो उसका आंसर एट द एंड हमारे पास आ गया जीरो। फिर ये एक हमारे पास फार्मूला था हाइपरबोलिक फंक्शन का ना, उसमें हमारे पास डायरेक्टिव फार्मूला होता है हमारे पास कोज हाइपरबोलिक स्क्वेयर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर इक्वल टू वन वन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला था हमारे पास। फिर उसके बाद साइन थ्री एक्स ओवर साइन टू एक्स, आपको पता है लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन होता है, तो अब हमने क्या करना था, साइन थ्री एक्स ओवर थ्री एक्स और इधर साथ आ गया थ्री एक्स, फिर साइन टू एक्स ओवर टू एक्स इंटू टू एक्स, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे ये वन, ये भी वन बन जाएगा, ये भी वन, ये बन जाएगा थ्री ओवर टू, ये आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास। आपने इसका डायरेक्ट ही आंसर देख लेना है, आपने नहीं देखना मतलब ये काम करने की जरूरत नहीं है, आपने देखना ऊपर क्या आ रहा है थ्री आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है टू आ रहा है, वो डायरेक्ट ही आंसर लिख देना पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसमें एक्स कोट एक्स, अब एक्स ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बनता है, इवन बनता है ऑड बनता है, क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं, इधर से भी आप निकाल सकते हो, लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन रह गया हमारे पास, क्योंकि लीनियर फंक्शन इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का होता है, क्वाड्रेटिक भी उसमें ही होता है, इवन और ऑड हम चेक कर सकते हैं, माइनस एक्स आ जाएगा कोट ऑफ माइनस एक्स, आपको पता है कोट का जो माइनस है वो क्या होता है बाहर आ जाता है, कोट का माइनस बाहर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा दोबारा प्लस, ये बन गया कोट एक्स, दोबारा वही फंक्शन बन गया, तो इसका मतलब इसका माइनस अब्जॉर्ब हो गया तो ये बनेगा इवन फंक्शन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर वैसे क्या लगाया था आप लोगों ने, इन्फिनिटी लगाया था सर मैंने, क्या लगाया था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये देखो एक्स की पावर ओ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नीचे क्या बन जाएगा समथिंग, ये याद रख लो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो इक्वल टू जीरो, इसी तरह जीरो ओवर समथिंग
उसका आंसर जीरो, लेकिन समथिंग ओवर जीरो जब होगा इधर तब उसका आंसर बन जाएगा इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी इधर होगा तब उसका आंसर बन जाएगा हमारे पास जीरो। तो ये इसका आंसर हमारे पास जीरो आना था, ये वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन सा आ रहा है एमसीक्यूज, एक मिनट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहे हैं। द नोटेशन यूज, काशी ने नोटेशन इसमें कौन सी यूज की थी, ये वाली कैपिटल डी वाली। ये डेफिनेशन किसकी आ गई, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई। डेरिवेटिव को आपको पता है इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला बोथ ए एंड बी। ये पीछे हमने लिखा ही ना ऊपर, ये भी रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके बाद हमारे पास इस फंक्शन का हमारे पास क्या बनेगा, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास अकेला क्या आ जाएगा, सी। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी। सी में हम टू पुट करेंगे तो जवाब फिर क्या आएगा, सी। तो आंसर इसका क्या बन गया, सी। नेक्स्ट वाले में हमारे पास ये तो आपको पता है इसका पावर रूल है, पावर रूल हमारे पास क्या होता है, ये वाला डेरिवेटिव का पावर रूल लगा है इसमें। अच्छा भाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे, 4x का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x की पावर 4 का, इसका बन जाएगा हमारे पास 4x, और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0। ये बेसिकली क्वेश्चन आपको 4x की, हाँ ये हमारे पास ये भी आंसर बनता है। अगर आपने ये वाला सवाल देखा है क्वेश्चन नंबर, उसमें है मेरे ख्याल में एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 के वो लास्ट पे क्वेश्चन नहीं है, उसमें ये वाली स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी होती है, 4x y माइनस 1। जब इसमें से हम 4x कॉमन लेते हैं, ये 4x बन जाएगा और अंदर रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें, अब ये y में आप ये वाली वैल्यू पुट करो, y में जब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ये माइनस होके हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस, एंड पे ये 2 माइनस 1 1 रह गया, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर, ये सारे का सारा यही आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर एक्सरसाइज 2.4 के एंड में ना, ये पेपर में भी आया था एक दो दफा ना, तो इसका आंसर एंड वाला बनेगा, बोथ ए एंड बी। नॉर्मली जब हमें नजर आता है, हम देखते हैं मेजोरिटी जो वैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में आते हैं ना जो एमसीक्यूज, उसमें ऑप्शन ज्यादातर सी होता है, या उसमें मतलब अगर दे देता है बोथ ए एंड बी तो उसमें वही ऑप्शन आपने करेक्ट होता है उसका ना। ये तो सिंपल आपको पता है कोसेकंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंट इंटू कोट। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ गया साइन की पावर 3 का, साइन की पावर 3 का 3 पावर नीचे, पावर में से एक काम 3 साइन स्क्वायर एक्स, और पावर के बगैर वाली का डेरिवेटिव कॉस किधर गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स और पावर के बगैर वाली का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आंसर बन जाएगा इसका।
10 वर्स का डेरिवेटिव आपको पता है, डायरेक्ट ही आंसर है इसका, ये प्रूफ भी है इसका, ये वाला आंसर बनता है 1/1 + x2। साइन 2x का डेरिवेटिव आपको बताया था, जब डेरिवेटिव आता है तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन इधर यही अगर इंटीग्रेशन होती साइन 2x तब हमारे पास ये बनना था -cos 2x/2, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इंटीग्रेशन में माइनस आता है, उसमें 2 जो है ओवर में चला जाता है, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 2 cos 2x ये इसका आंसर बनना था हमारे पास। अच्छा अभी ये आ गया e की पावर sin x 2.6 है आई थिंक, 2.6 जिसमें ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले में, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर x ही होता है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x वो होता है हमारे पास e की पावर x ही, लेकिन अगर x के अलावा कोई टर्म आ जाएगा उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। अब e की पावर sin x का डेरिवेटिव e की पावर sin x ही, साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा कोज एक्स, तो इसका आंसर ये था डी ऑप्शन। और इसी तरह अच्छा इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया था 22 का, 22 का आंसर क्या लगाया था सर? मैंने ए लगाया था। किस रूल के तहत लगा दिया था आपने? ना तो इसमें पावर रूल है, दोनों देखे ना पावर रूल, पावर रूल लगता है एक्स वेरिएबल हो ऊपर कांस्टेंट नंबर हो, अब इधर नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल, और वेरिएबल का ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स का ही, तो इस पे हम लगाते हैं बेसिकली, इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से, इसको वाई पुट करके लॉग एक्स की पावर एक्स बोथ साइड हम लेते हैं इसका लॉग, इधर लॉग वाई और उधर भी, तो पावर इसकी क्या होगी लॉग का ला हमारे पास है पावर, वो स्टार्ट में आ जाएगी लॉग लॉग ऑफ एक्स और इधर लॉग वाई, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा 1/y dy/dx और इसका डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये वैसे ही आ गया लॉग और लॉग एक्स प्लस, अब एक्स एज इट इज आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव लिया तो वो बन गया हमारे पास 1/ log x, फिर फर्दर log x का डेरिवेटिव लिया तो वो बन गया 1/x, x x से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी log log of x plus 1/log x और y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास log x होल की पावर x, ये फॉर्मूला इसका बनता है डेरिवेटिव पूरे का पूरा, तो वो डेरिवेटिव इसमें है ही नहीं, तो इसका आंसर था नन ऑफ दीज, इसमें ये वाला रूल लगाना था हमने लॉग, जिसमें भी ये याद रख लो पावर की पावर आ जाए सॉरी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो ये पावर रूल नहीं लगता उस पर, फिर ये वाला पावर रूल नहीं लगना था उस पर, पावर रूल लगता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो उस पर ये पावर रूल लगाते हैं हम। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास ई की पावर, ये थोड़ा सा एमसीक्यूज था, नेक्स्ट आ गया 23 लॉग ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग क्या कर देगा इसको ओवर में ले जाएगा 1/(e)x, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास लॉग के बगैर वाले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स से कैंसिल जवाब 1, ठीक हो गया ना, पहले ऐसे ही करते हैं ना लॉग लॉग के साथ जो फंक्शन है वो ओवर में चला जाएगा, ये फंक्शन ओवर में आ गया, फिर उसके अगर तो x है तो फंक्शन डेरिवेटिव 1 होगा, अगर x के अलावा है कोई टर्म तो उसका फर्दर डेरिवेटिव e की पावर x का फर्दर डेरिवेटिव e की पावर x ही, वो कैंसिल हो गया आपस में, आंसर क्या दे देगी हमें 1।
उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है e की पावर cos x, e की पावर cos x में हमारे पास e की पावर cos x ही आएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये आ जाएगा इसका जवाब। माइनस साइन x e की पावर cos x का डेरिवेटिव ये आ गया और e की पावर cos x एज इट इज आ गई। और क्वेश्चन नंबर 25 जो था वो आपका एमसीक्यू जिधर से मैंने दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 29 था आई थिंक, जो लास्ट आपका एमसीक्यू था वो ये था, डेरिवेटिव ऑफ लॉग। इसका डेरिवेटिव हमारे पास जब लिखते हैं लॉग ए जिसकी बेस 10 होती है, तो इसका प्रूफ भी हमने किया था क्लास में, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये इसकी हमारे पास आंसर होता है। ये थे जी कल के जो एमसीक्यूज थे जो टेस्ट में आए थे।